महोत्सव 2022 बाड़मेर शहर से निकली शोभा यात्रा। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग, शोभा यात्रा में दिखे हाथी, घोड़े और ऊंट। आर्मी का बैंड रहा आकर्षण का केंद्र, कई प्रतियोगिताओं का यहां पर आयोजन होगा। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, बाड़मेर शहर से शोभा यात्रा निकाली गई, तमाम लोग जो हैं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए, यहाँ की कला को आगे बढ़ावा देने के लिए पिछले करीब 10 साल बाद बाड़मेर में थार महोत्सव का आगाज किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो 25 मार्च से शुरू हो गया था और आज देखिए तीसरा दिन जो है शोभा यात्रा बाड़मेर शहर से निकली है और उसमें आप देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लगा करके और जितने भी लोग हैं थार श्री बनने की यहाँ पर देखिए आप सज धज कर थार श्री बनने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रकाश चंजांगे। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी थार श्री बनने की आप लोगों ने की है? थार श्री बनने के लिए हमने लगभग 2018 से निरंतर तैयारी है। कितनी मेहनत और कितना अच्छा ये कार्यक्रम जो 10 साल बाद यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बहुत ही शानदार उम्दा। और बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ का जो साथ में प्रशासनिक अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, आला अधिकारी और यहाँ की कला ऊंट घोड़े जो है वो सजाए गए हैं हाथी और बहुत अच्छे कार्यक्रम। देखिए पुलिस का जो ये बैंड है ये पूरी तरीके से अलग अलग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है। पुलिस का बैंड है, बीएसएफ का बैंड है, हाथी घोड़े हैं और आप देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी ऊंटों पर घोड़ों पर आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि बाड़मेर के अलग अलग अधिकारी जो है वो ऊंटों पर आपको नजर आ रहे हैं। और ये सर कितना बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, शानदार कार्यक्रम हो रहा है, जबरदस्त लोगों का उत्साह है और एक तरह से सफल कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? लोगों में बहुत साल बाद ये प्रोग्राम हो रहा है इसलिए लोगों में बहुत जोश है, पूरा शहर उमड़ पड़ा है, पूरे शहर की महिलाएं उमड़ पड़ी है, बहुत ही सबको अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग। निश्चित रूप से आप देखिए अब मैं आपको बीएसएफ के जो ऊंट है वो दूल्हे की तरह सजाए गए हैं, गोलमंद से सारा चारों ओर से वो सजावट है और आपके वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो महिलाएं हजारों की संख्या में महिलाएं वो सर पर बेड़िए लिए वो यहाँ पर पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात प्रीति मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से जो दल है, अलग अलग नृत्य के दल है वो भी पहुंचे हैं। अब देखिए ये जो दल है ये गुजरात का दल है और बहुत ही आनंद भाव से खेले। क्या नाम है आपका? चौधरी निशा। अच्छा, गुजरात का नृत्य राजस्थान में कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। आप निशान कितना आनंद आ रहा है? आनंद कितना आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है आपको यहाँ पर? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अब देखिए अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है हाथी है वो भी यहाँ पर सज धज कर तैयार यहाँ पर लाए हैं और कश्मीरी जो कलाकार है यहाँ का रूप डांस है वो करते हैं। प्रीति मैं आपको बताना चाहूंगा कश्मीर से कलाकार पहुंचे। क्या नाम है आपका? दीपिका। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से जो 0 डिग्री वहाँ टेम्परेचर रहता है और यहाँ गर्मी में आनंद आ रहा है इस कार्यक्रम को देखने के बाद? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस प्रकार का डांस आप लोग करने वाले? हम रूफ रूफ डांस करेंगे। बिल्कुल, ये कश्मीर, गुजरात और अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो है कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए सज धज कर तैयार होकर ये मथुरा वृंदावन से। क्या नाम है आपका? युविका। अच्छा, किस प्रकार का एक्ट आप यहाँ करेंगे इस कार्यक्रम में? मयूर डांस करेंगे। मथुरा से ये दल आया है और आप देखिए अब मैं जिस पूरे कार्यक्रम की रौनक है वो दिखाऊंगा। महिलाएं जो हैं वो सज धज कर यहाँ पर पहुंची हैं, साफे उनके सर पर बंधे हैं और बहुत अच्छी भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची और थार सुंदरी का जो कार्यक्रम होगा प्रीति वो अपने आप में बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा क्योंकि जिले भर की जो महिलाएं हैं वो अलग अलग तैयार होकर पूरी जो पारंपरिक यहाँ की वेशभूषा है उसमें तैयार होकर यहाँ पर पहुंची और आप संख्या देखिए, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि संख्या दिखाएं कि हजारों की संख्या में जिले भर से और अलग अलग जिलों से यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं। जी प्रीति, बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप लगातार हमारे साथ साझा कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं दूसरे स्टेट के लोग जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार आए हैं। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर अशोक किया जाएगा, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं यहाँ पर रहेगी? देखिए
देखिए यहाँ पर जो प्रतियोगिता जो शोभा यात्रा गांधी चौक से निकली है वो अभी थोड़ी देर में आदर्श स्टेडियम पहुंचेगी और वहाँ पर सबसे जो खास बात जो प्रतियोगिता होगी आकर्षण का केंद्र होगी वो थार श्री और थार सुंदरी होगी। इसके साथ ही दादा पोता दौड़, मटका दौड़, पति पत्नी दौड़, मतलब बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होगी होगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पारंपरिक खेल है चाहे सतोलिया की बात करें, खो खो की बात करें, कबड्डी की बात करें, रुमाल झपटा की बात करें, तो ये खेलकूद प्रतियोगिता भी होगी। और आज रात को 9 बजे बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में हास्य कलाकार जो देश भर से हैं वो आएंगे। शैलेश लोटा जो कवि हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ इस थार महोत्सव के दौरान होने वाले हैं और खास बात है कि 10 साल बाद जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर थार की जनता में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जी प्रीति, एक तो अशोक आप ये बताइए हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा और फिलहाल जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है ये कहाँ पर पहुंचेगी? थार महोत्सव कार्यक्रम है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और ये इसका आगाज 25 मार्च को हुआ था बाइक रैली के साथ। फिर केराड़ू जो यहाँ की विरासत है हेरिटेज है रेडाना के रण है वहाँ कई कार्यक्रम हुए और कल शाम को चौटन के मखमली दौरा पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक संध्या और अलग अलग जगहों से कलाकार जो है उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। और आज जो शोभा यात्रा निकली है ये गांधी चौक से निकली और आदर्श स्टेडियम में शोभा यात्रा का समापन होगा और वहाँ पर कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जो होगी वो आयोजित होगी। ठीक है अशोक, इस पूरे महोत्सव पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।